मेरी वीडियोस देख के सब मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम ये यूज़ करके या ये जो आपने बताई थी यूज़ करके हम गोरे हो जाएंगे, तो यार मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप गोरे हो जाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि जो आपका जो एक्चुअल कलर है वो डल एंड सन के एक्सपोजर में आके आपकी स्किन डल ड्राई डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयर कर सकता है। बट आप सोचो कि हम इतने काले हैं एंड इसे यूज़ करने के बाद हम गोरे हो जाएंगे, तो ये सब फिजूल की बातें हैं। गोरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्चुअल कलर गॉड ने हमें दिया है वही रहेगा। बट ये होता है जो एक दो शेड होता है वो अप हो जाता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन की केयर करने लग जाते हैं तब। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मुझे बताती हूँ चेहरे पे यूज़ करने के लिए उससे गोरे हो जाओगे, तो गोरे नहीं होगे। बट ये है कि आपको अपनी स्किन पे अपने टेक्सचर पे इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा, आप खुद भी देख सकेंगे। एंड जो भी मैं चीज़ आपको बताती हूँ अपने हेयर के लिए, अपनी स्किन के लिए, जो भी चीज़ें मेरे चैनल पर आप देखते हैं वो सेल्फ टेस्टेड होता है। मैं अपने ऊपर पहले ट्राई करती हूँ, उसका रिजल्ट देखती हूँ, देन मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ। तो ये मत रखना कि दिमाग में कि इसे लगाने से ये हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी वीडियो के रिगार्डिंग कि इसे कैसे यूज़ करें या इससे क्या बेनिफिट है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, बेझिझक मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो चेहरे का कालापन है उसे दूर कैसे करें और गोरे कैसे हो। तो गोरे नहीं होंगे, मजाक था ठीक है, गोरे नहीं होंगे। बट एक तो लॉकडाउन चल रहा है जैसा आपको लोगों को पता है, एंड हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम घर में ही हैं। तो फर्स्ट से लॉकडाउन से सबसे बड़ी क्या चीज़ हुई है, पॉल्यूशन कम हो गया। एंड पॉल्यूशन कम हो गया है, हम बाहर नहीं जा रहे, हमारी स्किन पे जो भी हार्श केमिकल या जितने भी पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन खराब होती है वो सबसे बची हुई है। तो बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको इस चीज़ को करने का, अपनी स्किन की केयर करने का। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा उपटन कह लो, फेस पैक कह लो, कुछ भी कह सकते हो, दो स्टेप बताऊंगी। दो स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया इन लॉकडाउन में, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपकी जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड सन टैन है, चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं, सारे यूँ निकल जाएंगे, यूँ गारंटी के साथ कर रही हूँ। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ वो पहले मैं ट्राई करती हूँ, देन मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। बाकी ये आपकी मर्जी है, आप यूज़ करो या ना करो, बट मेरा काम है आप लोगों को उस बारे में बताना, तो मैं बता रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ आपको वो ये है कि इसे यूज़ करने के बाद जितना भी कालापन है आपके चेहरे पे, लाइक नोज एरिया पे होता है डार्क सर्कल एंड चेहरे पे ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं जिस कारण आप मार्केट की क्रीम लेते हैं, तो आप मार्केट में ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट मैं आपको जो बताती हूँ ट्रस्ट करके यूज़ करके देखिए, मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ, सेवन डे का मैं आपको बोल रही हूँ, 7 डे कंटिन्यू यूज़ कीजिए एंड देन उसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट यूज़ में ही आपकी स्किन सबल सॉफ्ट एंड हल्का सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, ये गारंटी है मेरी। एंड सोचो जो 1 डे में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो 7 डे यूज करेंगे एंड रेगुलर बेस पे यूज करेंगे एंड अपनी स्किन केयर में उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बताओ कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना कमाल की बात। तो चलिए फिर बताते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए फर्स्ट ग्राम फ्लावर एंड टर्मरिक। तो मैं जो आपको दिखा रही हूँ उसे हमने 2 चम्मच दी है एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था एक फेस वॉश जो मैं घर पे अभी करंट में यूज़ कर रही हूँ, 2-4 दिन से यूज़ नहीं कर रही, तो उस फेस वॉश को मैंने बताया था कि 4 बड़े चम्मच। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अभी क्यों बताऊँ, उस वीडियो को आप देख लेना, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ग्राम फ्लावर लिया है मैंने एंड टर्मरिक लिया, उसमें मिक्स था पहले से, तो टर्मरिक अलग से नहीं दिखेगी आपको क्योंकि उसमें मिक्स है। एंड सेकेंड इन्ग्रीडियंट लिया है मैंने लेमन जूस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है एंड आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच लिया है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किप कर देना, इसकी जगह आप एलोवेरा जेल टोमेटो जूस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसे स्किप कर देना, बाद में मत बोला मुझसे दाने निकल के बता दे रही हूँ। अगर आपके चेहरे पर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंड थर्ड है गर्ड यानी कि दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है, आपकी स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है। एंड अगर आपको लगे कि ये पैक आपका कम्प्लीटली नहीं बना है तो आप इसमें रोज़ वाटर या नॉर्मल वाटर या थोड़ी और कर्ड ऐड कर सकते हैं एंड एक थिक पेस्ट बनाना है एंड देन इसे बना के अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है, नेक पे, अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपकी बॉडी में डार्कनेस की चीज़ें दिख रही है, तो आपको पूरी बॉडी पे नहीं, मतलब जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ और देख मतलब लगा लेना है एंड देन इसे रख देना है आपको 15 से 20 मिनट के लिए। अदरवाइज आपकी ड्राई स्किन है तो मैं पहले बोल दूँ, अगर ड्राई स्किन है तो इस पैक को कम से कम आप 15 मिनट ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगाना, एकदम ये वेट मत करना कि एकदम ड्राई हो जाए। पता है क्या, जो आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं ये बहुत लोग गलती करते हैं, जब तक एकदम ड्राई ना हो जाता है, ड्राई आपने अगर कोई फेस पैक अगर अप्लाई किया होगा जो ड्राई हो जाता है ना, तो आपको ब्रेकआउट से आपके चेहरे पे दिखेंगे वो जब पैक के ऊपर ही,
तो उससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो प्लीज जो भी पैक आप लगाएं तो वो 90% ड्राई हो जाता है, उसके बाद वॉश चेहरे को वॉश कर लें। तो ये लगा के रखना है आपको जितनी देर मैंने बताया है 15 से 20 मिनट, वो देख लेना आपका पैक कितनी देर में ड्राई होता है, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। एंड कभी भी फेस पैक या कुछ भी अप्लाई करो तो पंखे के नीचे ना बैठे कि जल्दी से ड्राई हो जाए और ये झंझट है। अगर आप कोई भी काम झंझट एंड ऐसे करके लेंगे तो उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो कहते नहीं कि कोई भी काम करने के लिए आपको काम पेशेंस की जरूरत होती है, तो प्लीज इसे लगा के छोड़ दीजिएगा जब ये ड्राई हो जाएगा नेचुरली, तो उसके बाद धो लेना चेहरे को। एंड फेस वॉश यूज मत करना, इसको यूज करना, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। एंड जो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आइकन में लिंक दे दूंगी मैं आपको, वहां से चेकआउट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो वो भी देख सकते हैं आप। तो आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी और भी क्वालिटीज वीडियोस देखने के लिए आपको वेट ना करना पड़े। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ एज पर ऑडिफिशन आपको इस दिन मिल जाए। एंड कुछ क्वेरी हो, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर कोई भी वीडियो समझ में ना आए, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भेज दीजिए, पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ लेना। तो मिलते हैं हम अपने आने वाली और भी एक और